दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, ना तो किसी ने जिक्र किया होगा और ना ही इतना आपको रिटर्न दिया होगा किसी ने। तो दोस्तों, मैं एक ऐसी इंटरनल इन्वेस्टमेंट के बारे में हूँ जो बाजार में नहीं मिलती है, ना ही आपको कहीं गूगल पे मिलेगी, ना ही कहीं आपको रिसर्च करने से मिलेगी। ये इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है दोस्तों कि आप चाहे आप बाजार में जब भी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, क्या आपको ये पता होता है कि कहीं ये प्रॉपर्टी बिक चुकी हो या ये किसी ने पहले से ही खरीद रखी हो? क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ खरीदना चाहते हैं जी, जैसे कि एक्ट बना दिया कि रेरा एक्ट हो गई है ना, कि इसका रेरा मिल गया जी, ये प्रॉपर्टी तो ओके है, हम तभी उसको बाई करने जाते हैं। बट हम एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। बट इन्वेस्टमेंट जहाँ भी आप करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। बट हम ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहाँ लोग वैसे भी बाई कर रहे हो, बट हम वहाँ इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट एक प्रकार से आप ये सोचो कि आप एक एक्स अमाउंट था और एक एक्स प्लस अमाउंट पे जाके आप प्रॉपर्टी बाई कर रहे हैं। रियल एस्टेट में ऐसा ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर वो प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक चुके होते हैं दोस्तों, क्योंकि आप लेट हो चुके होते हो और आप राइट डिसीजन नहीं ले पाते हो, क्योंकि आप रिसर्च के घेरे के अंदर आ जाते हो, आप रिसर्च करने लग जाते हो। तब तक रिसर्च करते हो तब तक वो चीज़ निकल जाती है या उसके रेट रिवाइज हो जाते हैं, फिर से हम रिसर्च करते हैं क्योंकि हमारा बजट है वो गड़बड़ा जाता है। तो दोस्तों, क्या आप 20-22 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? क्या आप अफोर्डेबल टाइप की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? मेरे पास दोस्तों वो इन्वेस्टमेंट है, बट हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट आपको समझना है, क्योंकि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पैसे को कैसे रोटेट किया जा सकता है, या आपको एक अच्छा बेहतर रिटर्न, आपको बेहतर प्रॉपर्टी किस तरीके से दी जा सकती है, उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। आप अफोर्डेबल खरीदते हैं, आज तो अफोर्डेबल 20-22 के नहीं हुए, अफोर्डेबल तकरीबन 32 से 36-37 लाख रुपये तक के हो गए हैं। बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी डिफरेंट तरीके की है, इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के अंदर ही है, और यहाँ पे हम अफोर्डेबल टाइप की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते रहते हैं। डिपेंड करता है आपका बजट कैसा है। हो सकता है आप जैसे कि कमर्शियल के अंदर आपने देखा होगा 12-12, 14% तक के रिटर्न, यहाँ पे 18% तक के रिटर्न है। हो सकता है आपको यहाँ पे जो रिटर्न है, क्योंकि वो उससे भी बड़ा रिटर्न हो जाए एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के तरीके, इन्वेस्टमेंट करने का प्रोजेक्ट, ये हम सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में कुछ समझना चाहते हैं, एक छोटा सा अमाउंट आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं कहता हूं दोस्तों आप नहीं समझ पाओगे ज़्यादातर, क्योंकि कस्टमर ये भी कहते हैं कि सर आपके हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे बेटर है, आप मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे दोस्तों। बट फिर भी अगर आप चाहते हो इसके बारे में जानना, तो नीचे लिंक, आपको गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा नीचे, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आप 20 लाख, 30 लाख, 10 लाख, 15 लाख, अगर इस टाइप का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो रियल एस्टेट में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और ये बहुत ही प्यारा मैसेज है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये ज़्यादातर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो साल में एक बार या 2 साल में एक बार आती हैं, बट ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता दोस्तों। ना आपको घबराने की ज़रूरत कि आप कब बेचना है, ये सारी चीज़ें आपको मिलके डिस्कस करते हैं कि आपको क्या करना है, कितने टाइम की आपको होल्डिंग करनी है रियल एस्टेट में, और ये सारी चीज़ें आप बेचैन हो जाना, ये हम अपने इन्वेस्टर्स की प्रॉपर्टी को खुद ही सेल करते हैं। तो दोस्तों, ये लास्ट ऑप्शन है और आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है आप इस वीडियो को इग्नोर भी कर सकते हैं, आपको ये भी लगेगा कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपके बेनिफिट की बात है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।